हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने हैफेड और डेरीफेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इस दौरान बनवारी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सहकारिता विभाग किसानों से जुड़ा विभाग है, जिसके जरिए देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बनवारी लाल ने बताया कि हम वीटा का हेल्दी मिल्क लेकर आए हैं, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, किसान पशुपालन के जरिए अपनी इनकम बढ़ा सकता है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वीटा की 1000 फ्रेंचाइजी शुरू की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच सके। डिपार्टमेंट है वो किसानों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, और किसान चाहे वो डेयरी फेड के जरिए या एफेड के जरिए या आपका शुगर फेड के जरिए या दूसरी हमारी जो संस्थाएं उनके जरिए किसान लोग जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो कॉपरेशन डिपार्टमेंट ही ऐसा है जिसके जरिए हम देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और जो हमारा डेयरी के अंदर काफ़ी स्कोप है इस काम के लिए, डेयरी के प्रोडक्ट्स हम अगर जितने ज़्यादा अब मार्केट में लेके आएंगे, उतना ही हमारा डेयरी को फायदा होगा। और उसी सिलसिले में हम जो आज ये जो हल्दी मिल्क लेके आए हैं विद ब्लैक पेपर, और इससे एक तो जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, और जिस तरह से बता रहे थे अभी हमारे एमडी साहब की भी ये नैनो टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्सअप हों। और जो हमारा जो फार्मर है पशुपालन के जरिए अपनी इनकम बढ़ा सकता है, और इसके अंदर काफ़ी स्कोप है। तो हमने जो बिटा के जो बूथ हैं उनको भी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है कि बढ़ाएं, और उसी के तहत एक पॉलिसी फ्रेंचाइजी लेके आए हम। और उसमें फिलहाल जिस तरह से हमारे लोगों से डिमांड आती है कि बिटा के प्रोडक्ट बिटा का जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं होते, और वर्का के काफ़ी अवेलेबल हैं, तो उसी सिचुएशन को देखते हुए अभी हमने फ्रेंचाइजी शुरू करने जा रहे हैं, और लगभग 1000 फ्रेंचाइजीज हम करेंगे, ताकि ज़्यादा ज़्यादा हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं वो आम आदमी तक पहुंच पाएं।